देश हित में अन्नदाता और करदाता दोनों ही अपना योगदान देते हैं। दोनों की भूमिका देश की प्रगति में बहुत अहम है। आज कई अन्नदाता अपनी मांगे मनवाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं, दिल्ली NCR से सटे इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात है और इस वजह से देश के करदाताओं को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कैसे, आपको बताते हैं। प्रदर्शनकारी दिल्ली कूच करने के लिए डटे हुए हैं। नतीजा ये कि करदाताओं को अपने दफ्तर जाने में, रोजी रोटी कमाने में दिक्कतों से गुजरना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों की वजह से कई बॉर्डर सील किए गए हैं। नतीजा ये कि छोटे व्यापारियों के कामकाज भी प्रभावित हो रहे हैं। प्रदर्शन कहीं उग्र हो जाए, इसका तनाव भी स्कूल जाने वाले बच्चों के माता पिता को झेलना पड़ रहा है। आंदोलन के चलते भारी सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। नतीजा ये कि रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जाने वालों की यात्रा कठिन हो गई है। आपको बता दें कि प्रदर्शन कर रहे किसानों को टैक्स से छूट मिलती है, जबकि करदाताओं को टैक्स से ऐसी खास राहत नहीं मिलती। अब बात आज के ग्रामीण भारत बंद की। किसानों के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का आह्वान किया। अपनी मांगे मनवाने के लिए प्रदर्शन के अलावा भारत बंद से भी सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें देश के कई हिस्सों से आई, बंद बेअसर दिखा। जबकि शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी और पुलिस बल आमने सामने आए और आम आदमी सड़कों पर जूझता दिखा। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। देश के अन्नदाता अपनी मांगे मनवाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन का आज चौथा दिन है। बीती रात सरकार और अन्नदाता के बीच तीसरे दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही, लेकिन इस बीच ग्रामीण भारत में बंद का आह्वान किया गया था। आप देख सकते हैं, जहां शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी उग्र होते दिख रहे हैं, वहीं ग्रामीण भारत में बंद बेअसर दिखा। अब आपको एक एक करके वो तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें साफ देखा जा सकता है कि क्यों आज का बंद बेअसर दिखाई दिया। मेरठ के मोहिद्दीनपुर शुगर मिल पर ग्रामीण भारत बंद के दौरान गन्ना डालते इस किसान को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अन्नदाता अब भी रोजमर्रा के काम में लगा हुआ है। वहीं हिसार के इस बाजार की तस्वीर देखिए, यहाँ बंद के बीच बाजार खुले हुए हैं। लोग अपनी रोजी रोटी कमाने निकले हैं। यहाँ लोग कम तो दिख रहे हैं, लेकिन बाजार पूरी तरह खुले रहे। नहीं, ये कोई असर नहीं है। हाँ, कोई असर नहीं रहा। कोई असर नहीं है बंद का। पूरा खुला था बाजार आज? लगभग बाजार खुला था पूरा। आवाजाही ठीक है जी, सरकार ठीक चल रही है। ये तो सरकार की छोड़िए, आप बंद का ये बताइए, बंद का मतलब कोई नहीं मानता जी, ये किसान धक्के से कर रहे हैं सब। नवादा में किसान मोर्चा और मजदूर संघ के समर्थन में भी बंद की कोशिश नाकाम ही दिखी। यहाँ आम दिनों की तरह ही गाड़ियां आ जा रही हैं। हालांकि नवादा पुलिस भारत बंद को लेकर अलर्ट मोड में रही। राकेश टिकैत किसान संगठन द्वारा किया गया ग्रामीण भारत बंद मेड़ता में बेअसर रहा। यहाँ किसान और व्यापारिक संगठन बटे हुए दिखाई दिए, जबकि शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी लगातार डटे हुए हैं। भोपाल सहित प्रदेश के अन्य जिलों में देशव्यापी भारत बंद बेअसर है। भारत बंद का असर नहीं दिख रहा है। दूसरी ओर रतलाम में कोई चेकिंग पॉइंट्स हाईवे या ग्रामीण इलाकों से आने वाले रास्तों पर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। वहीं कई जगह माहौल शांतिपूर्ण दिखा। जो भारत बंद का आह्वान है, उसके संबंध में हमारे तरफ से एक विस्तृत जो है वो व्यवस्था लगाई गई है। बाकी और भी जो कल घटनाएं होंगी उसके हिसाब से हम लोग कार्यवाही करेंगे, बैरिकेड्स वगैरह भी मिलेगा। इस बीच सरकार को भी भरोसा है कि किसान और केंद्र के बीच इस रविवार को बातचीत नतीजे लाने वाली होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है रविवार को भी अच्छे वातावरण में बातचीत होगी और इन मुद्दों के हल के लिए हम आगे बढ़ेंगे। जहां तक आपने पूछा कि केंद्र ने क्या किया, कुछ विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं, मैं इतना ही कहूंगा, बैंकों से ऋण से लेकर मुआवजे तक, इन सभी पहलुओं पर जो मोदी सरकार ने किया है वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। बंद का असर तो फेल जैसा ही रहा है, लेकिन आम लोगों के लिए आज चौथे दिन भी वैसी ही मुसीबत रही जो पिछले चार दिनों से देखने को मिली है। चिल्ला बॉर्डर पर भी लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। गाजीपुर बॉर्डर पर
भीषण जाम लगा रहा तो एक एम्बुलेंस भी मरीज को अस्पताल ले जाने की जद्दोजहद में दिखी। सवाल है कि आखिर आम जनता को क्यों इस बंद और प्रदर्शन को झेलना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। प्रदर्शनकारी किसानों की मांग एमएसपी के साथ साथ मनरेगा और पेंशन से जुड़ी हुई भी है। अब आपको बताते हैं कि इन मांगों को मान लिया जाए तो सरकार पर वित्तीय बोझ कितना बढ़ेगा। किसानों की मांग है कि मनरेगा के तहत 700 रुपए दैनिक भत्ता मिले, साथ ही हर साल 200 दिन के रोजगार की गारंटी मिले। इस मांग का असर ये होगा कि सरकार को इसके लिए 5 से 8 लाख करोड़ रुपए का बोझ झेलना होगा। आपको बता दें कि इस साल 2024-25 के बजट में मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपए का ही प्रावधान रखा गया है। किसानों की एक अहम मांग पेंशन से भी जुड़ी है, जिसके तहत 60 साल से अधिक आयु वाले किसान और कृषि श्रमिकों को 10,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन दिए जाने की मांग की गई है। इसका असर देखें तो 10 करोड़ 38 लाख किसानों को पेंशन देने में सरकार को 8 से 9 लाख करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी, यानी कुल 15 से 20 लाख करोड़ रुपए केवल इन्हीं दो मांगों को पूरा करने में खर्च होंगे, जबकि सरकार का 2023-24 में कुल खर्च ही 48 लाख करोड़ रुपए था। आपको बता दें कि एमएसपी की गारंटी और पूर्ण कर्ज माफी का बोझ भी सरकार पर बढ़ेगा। खास बात यह भी है कि अन्नदाता की मांगों की सूची में और भी मांगे हैं, जिस पर अब रविवार को चर्चा होगी। Z News.